डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे अभियान पर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बचे हुए परिवार हैं उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर से 19 नवंबर तक ऐसे नागरिकों को चिन्हित करना है जिनको अभी तक शौचालय प्राप्त नहीं हुआ है। उनको चिन्हित करने के बाद उनको लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनपद में हर साल परिवार बढ़ रहा है, इसलिए हर साल टारगेट दिया जाता है। इसमें कोई छूटे नहीं, जो लोग छूटे हैं उनको शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने कहा, अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बचे हुए परिवार हैं जिनका व्यक्तिगत शौचालय अभी भी बनना है, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। भारत सरकार के द्वारा ये ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें 1 नवम्बर से 19 नवम्बर तक सभी ग्राम पंचायतों में चिन्हित करना है, जिनमें अभी भी जिनको अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं मिली है, उनको चिन्हित करने के बाद फिर उन्हें लाभान्वित करना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हर साल फैमिलीज बढ़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, उस हिसाब से लोगों के पास शौचालय हमारी हर साल, इसलिए हर साल टारगेट दिया जाता है कि आप इतने लोगों को आच्छादित करें। तो अब ये इसीलिए स्पेशल ड्राइव है कि अब इसके बाद कोई लोग छूटे न रहें। तो ये 1 नवंबर से 19 नवंबर तक बृहद स्तर पर पूरे ग्राम पंचायतों में सर्वे होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना है, और उसके बाद जो भी छूटे हुए लाभार्थी हैं हमारे उन सबको सैचुरेट किया जाएगा।